पौरी में सरकुला नदी के तेज बहाव के बीच फंसे चार किशोर स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे निकाला। पौरी थाना क्षेत्र के सरकुला नदी का जलस्तर रविवार को बढ़ने से चार बच्चे नदी में फंस गए। इस मामले की सूचना लगते ही पौरी विधायक कैलाश कुशवाहा ने एक वीडियो जारी किया। वहीं मामले की सूचना पर से मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चारों बच्चों को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर गाँव के रहने वाले लवकुश पुत्र सुमरन आदिवासी, बंटी पुत्र पप्पू आदिवासी, सोनपाल पुत्र प्रेम आदिवासी और मस्तु पुत्र बादामी आदिवासी चारों पोहरी से रविवार की शाम करीब अपने घर वापस आ रहे थे। उनके गांव के रास्ते में सरकुला नदी पड़ती है। जब चारों नदी में उतरे तो पानी कम था, लेकिन फिर तेज बहाव आ गया तो चारों नदी के बीच में फंस गए। घटना की सूचना पुलिस को मिली तो एसडीओ सुजीत भदौरिया ने मौके पर एसआई चेतन शर्मा और अन्य पुलिस बल को भेजा। पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर चारों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मुझे अभी मालूम चला है सरकुला डैम में अचानक तेज बहाव आने के कारण हमारे आदिवासी भाइयों के चार बच्चे बीच में फंसे हुए हैं। तो मैंने तुरंत एडीएम साहब, टीआई साहब और सभी अधिकारियों को बता दिया है कि वो तुरंत पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित निकालें। मैं अभी भोपाल रास्ते में भोपाल जा रहा हूँ, भोपाल प्रवास पर 2 दिन रहूंगा। धन्यवाद।